बहुत से इंडियन कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स जो कार कस्टमर्स हैं वो तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में शायद इन दोनों के सवालों के जवाब हम दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास दो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो शेप और अपने आईस अवतार में तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टक्कर ले ही रही थी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अवतार के तौर पर भी एक दूसरे से भिड़ रही हैं। ये है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी है, ये है महिंद्रा की एक्सयूवी 400। इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं, बैटरी रेंज की बात करते हैं, चार्जिंग टाइम की बात करते हैं और जो इसका परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल हम नेक्सॉन और एक्सयूवी 400 ईवी के टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं और वहां पर टेक स्पेक्स के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस वाले नंबर्स में थोड़ी बाजी मारती एक्सयूवी 400 आपको नजर आती है। नेक्सॉन ईवी और एक्सयूवी 400 की कीमतों का जो गेम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जरा ध्यान से आप सुनिए। जो ईवी प्राइम है यानी छोटी बैटरी 30.2 किलोवाट आवर वाली जो बैटरी है उसके साथ ईवी प्राइम की कीमतें 14.49 से 16.99 लाख के बीच है, जो एक्सयूवी 400 में जहां पर छोटा बैटरी पैक वाला ऑप्शन है 34.5 किलोवाट आवर का वो इन दोनों वेरिएंट के बीच में 15.99 का है। अब बात करते हैं बड़े बैटरी पैक की। नेक्सॉन ईवी मैक्स में लगा हुआ है 40.5 किलोवाट आवर बैटरी और एक्सयूवी 400 में EL जो बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसमें लगाया 39.4 किलोवाट आवर बैटरी। नेक्सॉन ईवी मैक्स कीमतें शुरू हो जाती हैं 16.49 लाख से ही और टॉप एंड है 18.99 लाख। वहीं एक्सयूवी 400 का EL वर्जन 18.99 लाख का मिल रहा है, यानी बड़े बैटरी पैक ऑप्शन के साथ नेक्सॉन ईवी कम कीमत से शुरू हो रही है और टॉप एंड दोनों का बराबरी पर है। पहले नेक्सॉन ईवी यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को इस्तेमाल करते हुए इसे ऑन किया है, एसी ऑन हो गया है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन को देखें तो ये टिपिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो आपने पहले टाटा की गाड़ियों में देखी है वो इस वाले वर्जन में है। अब नए वाले वर्जन में जो वेरियंट कंपनी ने लॉन्च किया है उसमें बेहतर ये सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा एक एलिमेंट जो आपको बाहर भी देखने को मिलेगा अंदर भी, और वो है ये ब्लू हाईलाइट, बहुत ही खूबसूरत अच्छे डिज़ाइन में इस्तेमाल हुआ लगता है। जो डैश का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शनेट लग रहा है। नीचे मैं अगर एसी के क्लाइमेट कंट्रोल के बटन देखूँ वो भी आपको अच्छे डिज़ाइन में गुड लुकिंग ओवरऑल फील देता नज़र आ रहा है। नीचे आपको USB टाइप ए का पॉइंट है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी ये टाइम लेता है, थोड़ा लैग है, यानी आप पार्किंग से रिवर्स में न्यूट्रल में जाएँ या ड्राइव में जाएँ थोड़ा सा लैग है, बट ओवरऑल इस्तेमाल करना आपको अच्छी फीलिंग इसमें लगती है, जिस तरह के ग्रूव्स आपको इसमें किनारे मिलते हैं, प्लस ये क्रोम फिनिश के साथ इट लुक्स रियली नाइस। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल रहा है ऑटो होल्ड के साथ और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए एर्गोनॉमिकली एक बहुत ही आसान सी जगह पर ये बटन आपको दिया गया है, यानी आप ड्राइव करते वक्त बहुत ही आसानी से मोड चेंज कर सकते हैं। आप इसमें तीन अलग अलग लेवल देख सकते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो आपको नेक्सॉन की याद दिलाएंगे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है, जो जब भी नेक्सॉन ईवी मैंने चलाया है वो मुझे ठीक लगा है, वो ये है कि जो डिस्प्ले में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो कई बार हम देखते हैं कि जो आइस इंजन को जब ईवी बनाते हैं तो बहुत सारे रेट्रोफिटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको लगा कि हाँ एक ईवी आप चला रहे हैं। राइट साइड में आपको एक एनालॉग स्पीडो मिलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मुझे स्टेटस दिख रहा है। इसके अलावा किस ड्राइविंग मोड में मैं चला रहा हूँ वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आप वो भी चूज कर सकते हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और वो बताती भी है ये कार। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ डिफरेंट ड्राइव मोड्स आपको यहाँ मिल रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ब्लू हाईलाइट है और ओवरऑल प्रीमियम फील होती है, चाहे वो आप इससे डोर पैनल की बात करें जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है वो, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, या फिर जो ट्राई एरो डिज़ाइन है उसके हल्के हल्के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आई रियली लाइक द वे इट लुक्स, अंदर आपको प्रीमियम वाली फील होगी। और आप अगर सोच रहे हैं कि 15 लाख 16 लाख रुपये या 18 लाख
लाख रुपए की आप एक शोरूम प्राइस में गाड़ी ले रहे हैं, उस हिसाब से आप निराश नहीं होंगे। यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिल रही है। आर्मरेस्ट के नीचे भी आप फ़ोन रख सकते हैं, आई गेस छोटा सा स्लॉट है उसमें आप सामान रख सकते हैं। और या सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़। यहाँ आपको सीट की जो डिज़ाइन है, अपहॉल्स्ट्री है, वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम सी नज़र आ रही है। और इस पैटर्न को देखकर आप समझ गए होंगे कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको नेक्सॉन ईवी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका बटन आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। वो हर बार मैं फंसता हूँ, वो बटन जो है वो सीट के किनारे आपको नज़र आएगा। यस, बिफोर आई फॉरगेट, सनरूफ भी आपको इसमें मिल रहा है। साइज़ भले ही छोटा, लेकिन यार सनरूफ की दीवानगी तो आपको पता ही, इंडिया में वो भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। गाइस, अब XUV 400 में बैठ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो स्टीयरिंग के लेफ्ट में ही नीचे वाले कॉर्नर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डिज़ाइन है वो आपको बहुत ही सिमिलर XUV 300 वाली फील, लेआउट और डिज़ाइन आपको मिलेगा, लेकिन जिस तरह से नेक्सॉन ईवी में हमने देखा, यहाँ पे भी कलर का जो खेल है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। जिस तरीके से आप यहाँ फिनिश देख सकते हैं इस डायल की, या फिर यहाँ बीच में जो हाईलाइट्स हैं वो ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो लेआउट है वो मुझे डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा सा डेटेड लगता है। स्क्रीन का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, और जो यहाँ पर डिस्प्ले है, जिस तरीके की यहाँ पर रेजोल्यूशन मुझे देखने को मिल रहा है, वो भी थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो सकता था। ये थोड़ा सा डेटेड, थोड़ा सा अपने सेगमेंट, ये जिस प्राइस में हम इस गाड़ी को लेंगे उस हिसाब से मुझे लगता है कि और बेहतरी की इसमें गुंजाइश है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंटेशन पर देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड में बैटरी की जो चार्ज है वो आपको बता रही है। एक बड़ा सा डायल है, जिस तरह से हम आइस इंजन में देखते हैं, एक तरफ स्पीडो एक तरफ टैको, वैसा ही सेटअप, लेकिन एक तरफ आपको बैटरी का यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और किस मोड में आप चला रहे हैं वो वाला भी इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है। राइट साइड में स्पीडो है, लेकिन बीच में जो स्क्रीन है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी गुंजाइश है। वो थोड़ा सा एवरेज सा ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आपको थोड़ा डेटेड डिज़ाइन का वो देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको इसमें मिल रहे हैं। एक चीज़ जहाँ फिर से ये दोनों नेक्सॉन ईवी और XUV 400 मुझे कॉमन लग रही है, वो है डिज़ाइन। ये भी काफ़ी कूल डिज़ाइन मुझे देखने को मिल रहा है। जैसा नेक्सॉन ईवी में काफ़ी चमकीला सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी थोड़ा सा फंकी डिज़ाइन है, बट आई रियली लाइक इट। हाँ, यहाँ पर कलर्स वगैरह थोड़े से निकलते नज़र आ रहे हैं, जबकि कार अभी कितनी चली है, 12,500 किलोमीटर ये चल चुकी है जब यूनिट हमारे पास आई है। ये सामान रखने की आपको यहाँ पर जगह मिल रही है, और वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल रहे हैं या नहीं, नहीं आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आई नो, एक और सवाल तो हो गई भाई, सनरूफ का क्या? तो सनरूफ मैं ये देखते ही कह सकता हूँ कि XUV 400 में सनरूफ का साइज़ आपको थोड़ा सा बिगर, थोड़ा सा बेहतर यहाँ नज़र आ रहा है। सो ये कहानी है फ्रंट रो की XUV 400 में। डिज़ाइन एलिमेंट्स साफ़ सुथरे आपको लगेंगे, बटन्स भी यूजबल, एर्गोनॉमिकली आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा डेटेड आपको लगेगा। और यहाँ फील के हिसाब से आई लाइक नेक्सॉन ईवी अ बिट मोर, वो ज़्यादा प्रीमियम मुझे लग रही है। आपको कैसी लग रही है फटाफट कमेंट में बताइए, क्योंकि अब हम जाने वाले कहाँ, सेकेंड रो में, पहले नेक्सॉन ईवी। तो गाइज, नेक्सॉन ईवी के सेकेंड रो की कहानी शुरू हो चुकी है। इस ड्राइवर सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा, आमतौर पर जो ड्राइवर्स होते हैं एवरेज इंडियन हाइट वाले, वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा पीछे आपको नज़र आएगी। अब मेरी भी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो टॉल पैसेंजर्स हैं उनके लिए जगह आपको नी रूम थोड़ा सा कम लगेगा, लेग रूम थोड़ा सा कम लगेगा, बट आई थिंक एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको ठीक ठाक एडिक्वेट जगह इसमें देखने को मिल सकती है। कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेहतर आई गेस टॉल पैसेंजर्स के लिए हो सकता है, बट एवरेज इंडियन हाइट के लिए थाई सपोर्ट मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, दो कप होल्डर्स हैं। डिज़ाइन फिनिश अगेन मुझे काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पर फील हो रही है, और यहाँ पर रियर एसी वेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और टॉल पैसेंजर्स के लिए मामला हेडरूम के लिए थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है, बट अगेन एवरेज हाइट के लिए, दो लोगों के लिए मैं कहूँगा, दो एवरेज इंडियन हाइट वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आरामदेह जगह है। फीचर्स के हिसाब से भी यहाँ पर जो ज़रूरत आमतौर पर हो सकती है वो आपको यहाँ मिल रही है। आइसोफिक्स सीट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है।
अब बारी है XUV 400 की। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस सीट को भी मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, और छूटते ही सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं वो है नी रूम। मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा हुआ है, फुट मूवमेंट के लिए जगह है, सो लेग रूम नी रूम के हिसाब से ये ज़्यादा स्पेशियस मुझे लग रही है। सेकेंड रो में जिस तरह की अपहोल्स्ट्री है, जो डार्क फिनिश में दिया गया है, आई रियली लाइक इट। ये प्रीमियम से फील आपको इसमें मिल रही है। आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स के साथ मिल रहा है, कुछ आपके पास स्नैक्स हैं सामान रखने के लिए, और ओके आइसोफिक्स एंकरेजेस इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, और तीन आपको यहाँ पर हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पीछे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे बाजी मार रही है मेरे हिसाब से XUV 400 ज़्यादा स्पेशियस है, फ्लोर आपको ज़्यादा समतल लगेगा, तीन लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्ट करके ही सही, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्पेस आपको नेक्सॉन के मुकाबले मिलेगी। अब लगेज स्पेस, वैसे यहाँ पर नंबर और जो विजुअल है उससे ही मामला साफ हो जाएगा। नेक्सॉन ईवी में लगभग 350 लीटर की जगह आपको मिल रही है, और यहाँ अगेन जिस सेगमेंट की गाड़ी है, जिस तरह के लगेज आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, एडिक्वेट जगह आपको यहाँ पर मिल रही है। नीचे आपके पास स्पेयर व्हील है, और अब XUV 400 सेकेंड रो में तो आपको एक्स्ट्रा जगह मिल रही है, लगेज स्पेस का क्या हाल है? क्योंकि XUV 300 में या 300 में लगेज स्पेस जो है उसको लेकर शिकायतें होती थी, तो अब नए अवतार में अब ये 30 लीटर ज़्यादा जगह दे रही है। अगर हम नेक्सॉन ईवी से कंपेयर करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ये डीप है, यहाँ पे भी स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है, और ये 378 लीटर्स की जगह आपको मिल रही है। सो यूजबल, प्रैक्टिकल, स्पेस के हिसाब से चाहे सेकेंड रो हो या लगेज स्पेस हो, बाजी मारी है XUV 400 ने। और अब एक सब्जेक्टिव कंपैरिजन की बात करते हैं लुक्स की। वहाँ पर हो सकता है कि आप मुझसे अग्री ना करें, यहाँ पर एग्जैक्टली मैं स्पेस और परफॉर्मेंस या नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेप्शन की बात करूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये जिस तरीके के ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसका फ्रंट जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेक्सॉन ईवी अभी हाल में आई है, नेक्सॉन ईवी काफ़ी दिनों से है, लेकिन बावजूद इसके ये डिज़ाइन मुझे डेटेड नहीं लग रहा। आई रियली लाइक द वे इट लुक्स। हालांकि दोनों के अलॉय के डिज़ाइन जो हैं मुझे सेम लगते हैं, लेकिन यहाँ फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा है जो अभी हो सकता है कि आकर्षक लगे, थोड़े दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेटेड भी हो जाएगा। जिस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर, ये आई थिंक कॉपर टाइप के एलिमेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो अभी ये फ्रेश लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटेड भी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं कहूँ डिज़ाइन लुक्स के हिसाब से अभी भी मुझे ये नेक्सॉन ईवी ज़्यादा बेहतर थोड़ी सी लेकिन लग रही है। गाइस अब ड्राइव की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे थे उस हिसाब से नेक्सॉन ईवी को लेके मैं पहले निकला हूँ, और यहाँ इसे मैंने डाल दिया है स्पोर्ट मोड में, वो मोड जिसमें ईवी का जो मज़ा है वो सबसे ज़्यादा हम महसूस कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ जो ईवी के साथ आप छूटते ही यानी तुरंत ही महसूस करते हैं, वो आपको एक सेकेंड विंडो नीचे करके आपको बताता हूँ, और वो है ये जो टॉर्क है, आप सुन सकते हैं टायर स्क्रीचिंग। ये जो टॉर्क है ईवीज़ का, वो तुरंत ही आता है पहियों में, और वो आप जब भी टर्न करते हैं ऐसा लगता है कि जो टायर्स हैं, जो कार है और जो मोटर है, वो इनसे कहीं ज़्यादा ताकत प्रोड्यूस कर रहा है। तो हर बार आप टर्न कर रहे हैं, अगर आपने पुश किया है एक्सीलेटर को, तो वहाँ पर वो आवाज़ आप हल्की सी सुनाई आपको ज़रूर देगी, और टर्न करेंगे फिर तो पक्का। स्पोर्ट मोड की अगर बात करें, बहुत ही तेज़ तर्रार ये शुरू होती है, और जो एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, उसके बारे में कुछ नया कहने के लिए नहीं, क्योंकि तो गाड़ी हमने पहले भी ड्राइव की है, इसका रिव्यू आपने टाइम ड्राइव पर शायद देखा होगा। स्टैंडअलोन रिव्यू देखना है तो वो भी आप ज़रूर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तेज़ तर्रार है और स्ट्रेट लाइन में यह काफ़ी एक्साइटिंग लगेगी, उसमें कोई शक नहीं है। इस सेगमेंट में अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात करें जो आइस इंजन वाली है, उनके मुकाबले तो छोटी मोटी स्पोर्ट्स कार टाइप की फील होगी अगर आपने इन्हें पहले नहीं चलाया तो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंथूजियास्ट है जिसे ड्राइविंग का काफ़ी शौक है, उसके लिए भी ये काफ़ी मज़ेदार गाड़ी है,
और यहाँ पर मैं जरूर कह सकता हूँ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, टॉर्क, ये इसे काफ़ी एक्साइटिंग बनाती है। और वहीं अगर आप इसे सिटी या अर्बन मोड में चलाएं और वहाँ पे जो ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, वहाँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर देती है, जहाँ बार बार आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसे एक्टिवेट करें तो एक्सेलरेटर से पाँव हटाते ही कार अपने आप थोड़ी स्लो हो जाती है। सो गुड हैंडलिंग, स्टेबल फ्रेम एंड फास्ट, तेज सर्रार छोटी एसयूवी जिसमें टायर के अलावा और कोई आवाज़ आपको, थोड़े बहुत मोटर की आवाज़ आपको आती है लेकिन अदरवाइज टायर की आवाज़ ही सबसे ज़्यादा आप महसूस करते हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि इतनी तेज सर्रार होगी। सो इट्स एन एक्साइटिंग कार। और यहीं इस इलेक्ट्रिक कार के वजन के साथ भी इसका सस्पेंशन का सेटअप भी आपको कंफर्टेबल आएगा। सो अर्बन ट्रैफिक में आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल कार नज़र आएगी। वहीं हैंडलिंग के मामले में अगर मैं बात करूँ, जो इस की सबसे बड़ी खूबी है वही एक चैलेंज भी है, इतनी टॉर्की है ये, वहाँ पर इसकी पकड़ को सड़क पर बनाए रखने के लिए आई थिंक थोड़े से और बेहतर टायर्स हों, बट आई गेस यू लाइक इट। इट्स नॉट सीधे में आपको काफ़ी, या स्ट्रेट रोड्स के ऊपर ये काफ़ी पकड़ के साथ काफ़ी सटीक आपको जाती नज़र आती है। जब टर्न्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी और पकड़ होती तो बेहतर होता। अब एक्सयूवी फोर डबल चलाते हैं। गाइस अब एक्सयूवी फोर डबल ओ की कहानी शुरू करते हैं और जैसा नेक्सॉन ईवी में हमने स्पोर्ट मोड में किया था, मैं ढूंढ रहा था ऐसा ही कोई मोड क्या इसमें भी है और पता चला कि इसमें क्या है, फियरलेस मोड है और फियरलेस मोड में मैंने इसे डाल दिया है, जिसके बाद कहानी शुरू करते हैं एक्सयूवी फोर डबल ओ के फियरलेसनेस की, परफॉर्मेंस की, हैंडलिंग की। यहाँ पर पहली चीज जो सुना आपने, तो ये थोड़ी ज्यादा आवाज करती नजर आ रही है मुझे नेक्सॉन ईवी के मुकाबले। पहली चीज जो महसूस की मैंने नेक्सॉन से थोड़ी सी अलग, वो ये कि थोड़ी ज्यादा तेज सरार मुझे शुरुआती जो एक्सेलरेशन है उसमें ये लग रही है, और जो टॉर्क को हैंडल करने की जो क्षमता है उसके हैंडलिंग में वो मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादा सटीक तरीके से कर रही है। सो हैंडलिंग के मामले में मेरे ख्याल से 19-20 का फ़र्क अगर है तो 20 मैं इस एक्सयूवी 400 को ही बोलूँगा। सस्पेंशन और हैंडलिंग की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। यहाँ पर नेक्सॉन ईवी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद महसूस ना हो, बहुत ही आरामदेह तरीके से जिस सड़कों के ऊपर हम इसे भगा रहे हैं उस पर ये जा रही है। आई थिंक एक बहुत ही कंफर्टेबल अर्बन कम्यूट ये ज़रूर नज़र आ रही है। तो गाइस जो डिफरेंस हमने टेक्स्ट पैक्स में पेपर्स पे देखे थे वो आपको रोड पे भी महसूस होता है। ये मुझे काफ़ी तेज़ सर्रार, काफ़ी मज़ेदार गाड़ी लग रही है। नेक्सॉन भी है लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको तेज़ सर्रार और प्रिसाइज लगेगी। सो आई लाइक द वे दिस गोस फास्ट एंड फियरलेस। दोस्तों दोनों ही गाड़ियां हमने चला ली, एक्सयूवी 400, नेक्सॉन ईवी, और आखिर में अब बहुत लंबा चौड़ा कंक्लूजन नहीं करता हूं। सिंपल चीज़ मैं ये समझ पाया इन दोनों को एक्सपीरियंस करने के बाद, अगर ताबड़तोड़ गाड़ी आपको पसंद है, रोज़मर्रा की ड्राइव आपको ज़्यादा एक्साइटिंग चाहिए और आपको स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा है रोज़मर्रा के ड्राइव में, देन गो फॉर एक्सयूवी 400। अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी, लुक्स, फीचर्स, प्रीमियमनेस, इन सब के हिसाब से मैं कहता हूं कि नेक्सॉन ईवी अभी भी उसमें बाजी मारती नजर आ रही है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप ज़्यादा जाना चाहते हैं या फिर परफॉर्मेंस की तरफ, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप हमारी राय से अग्री कर रहे हैं या नहीं। लेकिन साथ में ये भी अपील कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया टाइम्स ड्राइव को तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल हमारा जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिए, इस स्टोरी को भी शेयर कीजिए इनकेस कोई इंटरेस्टेड है ईवी खरीदने में। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, ड्राइव सेफली, ड्राइव कर रहे हैं तो आगे पीछे जहाँ भी बैठे हैं सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, और राइड कर रहे हैं तो आगे पीछे जहाँ भी बैठे हैं हेलमेट्स ज़रूर पहनिए। See you.